प्रकाश के बिना हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। जब प्रकाश अपनी आंखों तक पहुंचने के बाद मस्तिष्क को संदेश भेजे जाते हैं और अपना मस्तिष्क इस जानकारी का विश्लेषण करता है। रात के समय अगर कमरे की बत्ती बुझाई गई तो आपके ध्यान में आएगा कि हम कमरे के अंदर की कोई चीज देख नहीं सकते। कमरा और उसमें से सब कुछ काला नजर आएगा। अंधेरा दिखना यह सिर्फ प्रकाश का अभाव दर्शाता है। जब वस्तुओं से भरा कमरा हमें काला दिखता है तब वस्तुओं से प्रकाश निर्माण नहीं होता या अपनी आंखों पर परावर्तित नहीं होता। इसका मतलब प्रकाश के बिना हमें कुछ नहीं दिखेगा। प्रकाशमान विरुद्ध प्रकाशित वस्तु। हमें दिखने वाली चीजें दो गुटों में डाल सकते हैं, प्रकाशमान वस्तु और प्रकाशित वस्तु। प्रकाशमान वस्तु जो खुद प्रकाश बनाती है, प्रकाशित वस्तु जो वस्तु प्रकाश अपनी आंखों तक परावर्तित करने में सक्षम होती है। सूर्य प्रकाशमान वस्तु का उदाहरण है और चंद्र प्रकाशित वस्तु है। हमारे कमरे में होने वाली वस्तुएं बिजली का बल्ब या मोमबत्ती जैसे प्रकाश के स्रोतों की वजह से दिखाई देती है। प्रकाशमान वस्तु खुद का प्रकाश बनाती है, इसलिए अप्रकाशमान वस्तुओं को प्रकाशित करती है और वे अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। हम एक प्रयोग करेंगे। हम इस लेजर दिए का उपयोग करेंगे जो एक आईने पर संकेत करता है। मैंने उसे एक कोण में दर्शाया है, इसलिए वो प्रकाश इस गत्ते पर परावर्तित होगा। कमरे की बत्तियां बुझाकर लेजर चलाते हैं। प्रकाश हवा में से आईने तक और फिर गत्ते तक जाते हुए प्रकाश का अस्तित्व मालूम नहीं पड़ता। जिस स्थान पर प्रकाश आईने पर और गत्ते पर गिरता है, सिर्फ उसी स्थान पर प्रकाश दिखाई देता है। इस स्थान पर प्रकाश का कुछ भाग वस्तु पर परावर्तित होता है और मेरी आंखों तक सफर करता है। आईना और मेरी आंखों के बीच में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो प्रकाश फिर से परावर्तित कर सके। इस रचना में प्रकाश दिखाई देने के लिए चौक का चूर्ण छिड़काएंगे। अब हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। सिर्फ परावर्तन की वजह से हम और अपने आसपास की दुनिया भर की सभी भौतिक वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश कैसे परावर्तित होता है और हमारी आंखों तक सफर करता है, जिस कारण हमें दिखना संभव होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। दृष्टिक्षेप। हमें जो सब कुछ दिखाई देता है वो सिर्फ उस वस्तु से निकला हुआ प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी दिखता है। इस छोटे पेड़ की तरफ देखें। आप इस पेड़ का सिर्फ ऊपरी भाग देख सकते हो क्योंकि प्रकाश ऊपरी भाग से परावर्तित हो रहा है और आपकी आंखों तक सफर करता है। अगर आपको फूलदान या बॉटल देखनी हो तो आपको अपनी आंख फूलदान या बॉटल की तरफ मोड़नी पड़ेगी। अगर आपको इस पेड़ के आईने में प्रतिबिंब देखनी है तो आपको अपनी नजर पेड़ के प्रतिबिंब की रेशा में ले जानी पड़ेगी। अपनी नजर को ऐसी विशिष्ट दिशा में घुमाने को दृष्टिक्षेप भी कहते हैं। एकाध चीज देखने के लिए आपको नजर वस्तु के सीधी रेशा में लानी पड़ेगी। जब आप ऐसा करते हो तो प्रकाश उस वस्तु से आपकी आंखों की और दृष्टिक्षेप की सीधी रेशा में आएगा। बहुत आसान है, लेकिन दृष्टिक्षेप की संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्टिक्षेप का सिद्धांत हमें प्रतिबिंब बनाने की क्रिया समझने के लिए मदद करेगा। हम एक प्रयोग से पेंसिल के प्रतिबिंब का स्थान ढूंढते हैं। वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक किस तरह से पहुंचता है ये हम ढूंढेंगे। दो पेंसिल लेकर रबड़ में फंसाए जो स्टैंड की तरह काम करेगा। एक छोटा आईना टेबल पर रख दीजिए। एक पेंसिल वस्तु और दूसरी प्रतिबिंब का काम करेगी। वस्तु पेंसिल आईने के सामने रखिए। बाई तरफ से वस्तु पेंसिल देखकर प्रतिबिंब पेंसिल आईने की दूसरी तरफ लगाई। ऐसा करते हुए वस्तु पेंसिल प्रतिबिंब और प्रतिबिंब पेंसिल कोई भी स्थिति में बिल्कुल वस्तु और प्रतिबिंब की जगह होंगे। प्रतिबिंब पेंसिल की जगह ऐसी होगी कि जहां वस्तु की प्रतिबिंब का स्थान होगा। आप जब पेंसिल की प्रतिबिंब आईने में देखते हैं तब प्रकाश आपके दृष्टि की रेशा पर से सफर करके आपकी आंखों तक पहुंचता है। वस्तु पेंसिल कमरे के प्रकाश स्रोत की वजह से प्रकाशित होती है। इस पेंसिल से निकले हुए प्रकाश किरण एक सीधी रेशा में आईने की तरफ जाते हैं। इस प्रकाश किरण को आपाती किरण, आईने की तरफ प्रकाश आने वाला प्रकाश कहते हैं।
आपातिक किरण आपके दृष्टिक्षेप रेखा छेदते हैं, उसी बिंदु में आईने को छेदते हैं। प्रकाश किरण आईने से परावर्तित होता है और आपकी आंखों तक सफर करता है। इस किरण को परावर्तक किरण कहते हैं। आईने में वस्तु की प्रतिबिंब दिखने के लिए आपको दृष्टि प्रतिबिंब की सीधी रेखा में रखनी होगी। वस्तु से निकलने वाले बहुत सारी किरणों में से एक आईने पर पड़ेगी और आपके दृष्टिक्षेप की रेखा में परावर्तित होगी। इसी कृति से दूसरी संकल्पना प्रतिबिंब के स्थान के बारे में है। आकृति में देखिए कि प्रतिबिंब बिल्कुल आईने के दूसरी तरफ आईने की लंब रेखा में होगी। आईने से वस्तु तक के अंतर को वस्तु का अंतर कहते हैं। आईने से प्रतिबिंब तक के अंतर को प्रतिबिंब का अंतर कहते हैं। सभी समतल आयनों के लिए वस्तु का अंतर और प्रतिबिंब का अंतर समान होता है। परावर्तन का नियम। अगर प्रकाश किरण आते हुए और परावर्तित होते हुए उनका निरीक्षण किया तो प्रकाश किरण का परावर्तन होते हुए बर्ताव परावर्तन नियमों के अनुसार अपेक्षित है। आपाती किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु में मिलते हैं उस बिंदु में लंब रेखा निकाली, इसे नॉर्मल लाइन कहते हैं। ये रेखा आपाती किरण और परावर्तित किरण के बीच विभाजित समान कोण दर्शाती है। आपाती किरण और लंब रेखा के बीच वाले कोण को आपाती कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और लंब रेखा के बीच वाले कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। ये दोनों कोण ग्रीक अक्षर थीटा से सूचित किए जाते हैं। आपाती कोण थीटा आय और परावर्तित कोण थीटा आर ऐसे पढ़ते हैं। परावर्तन का नियम कहते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी भी सतह से परावर्तित होता है तब आपाती कोण और परावर्तित कोण समान होते हैं। हमें दिखेगा कि परावर्तित किरण और आपाती किरण लंब रेखा के विरुद्ध बाजू में होते हैं और एक ही प्रतल में होते हैं। सारांश, हमने सीखा कि प्रकाश सतह से अपेक्षित पद्धति से परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होते हैं। प्रकाश परावर्तन ये अपेक्षित पद्धति क्षितिज सतह, खड़े सतह, कोण में होने वाले सतह और वक्र सतह के लिए लागू होता है।